बीजेपी गवर्नमेंट जनता की नौकर है। आप कौन से चैनल से? उल्टा चश्मा यूसी। नाम क्या है आपका? प्रजा मिश्रा का। हाँ जी, नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार ने कहा है कि पार्टियों को फंडिंग कहां से होती है, चंदा कहां से आता है, ये जनता को जानने का हक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो है बीजेपी सरकार ने कहा है कि पार्टियों को फंडिंग कहां से होती है, जनता को ये जानने का हक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, आरडीआर डाल के एक हर व्यक्ति को अपनी ग्राम पंचायत का जो पैसे का ब्यौरा होता है लेने का अधिकार होता है, इसी तरह देश में भी होना चाहिए। जब ग्राम पंचायत में है तो हमारे देश में भी होना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है हक नहीं होना चाहिए तो प्राइवेट होना चाहिए। गांव में क्यों दिया है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि पार्टियों को फंडिंग कहां से आती है, जनता को ये जानने का हक नहीं होना चाहिए। चोर बजा रही है। बिल्कुल, ये तो बेईमानी है सरासर। ये तो इनका काला चिट्ठा खिल जाएगा अगर सब कुछ पता चल जाएगा कि अंबानी अंडानी नोट कहाँ से दे रहे हैं, सब पता चल जाएगा। समझ रहे हैं ना? कह रहे हैं ये तो निजी रखना चाहिए ना। निजी क्यों रखें? आपको कैसे दे देंगे करोड़ों अरबों रुपए? आपको व्यापारी क्यों दे रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए का चंदा? उनको कुछ तो बेनिफिट है। हमारे संसाधनों का जो है वो दोहन कर रहे हैं इसी चंदे से। ये चंदा व्यवस्था तो खत्म होना चाहिए ना। पाना क्यों चाहती है? क्या लग रहा है सरकार छुपा क्यों रही है? सरकार की पोल पट्टी खुल जाएगी और वो खरबों रुपए जो कहते हैं हम 100 साल तक भी हमें नहीं ला सकता, वो पैसा है ना, काला धन जो जमा कर लिया है इन्होंने बीजेपी सरकार, तो काम आता है इलेक्शन में। काला धन ही तो काम आता है। जहाँ काला धन काम आएगा उस देश का सर्वनाश ही होगा। जानने का हक होना चाहिए, सवाल तो सुन लिया होगा आपने। बिल्कुल होना चाहिए जानने का। क्यों होना चाहिए? वो कह रहे हैं ये निजी बातें हैं, निजी रखनी चाहिए। निजी क्यों रखनी चाहिए? पता तो चलना चाहिए ना कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो क्या लग रहा है सरकार छुपाने का प्रयास क्यों करना चाहती है? इसलिए करना चाहती है कि इनके काले चिट्ठे खुल जाएंगे सबके। जनता का हक है, जनता पूछेगी कि हमारा पैसा कहाँ गया। ये क्या, ये तो तानाशाह हिटलर सा ही है। सुप्रीम कोर्ट फिर से नोटिस देगा उनको। बीजेपी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आम जनता को ये जानने का हक नहीं होना चाहिए कि पार्टियों को फंडिंग कहाँ से होती है। क्यों नहीं होना चाहिए? पहली बात, यू आर द पब्लिक सर्वेंट हैव नाउ पीपल। आप जनता के नौकर हो और बीजेपी गवर्नमेंट जनता की नौकर है। जनता बड़ी होती है सरकार से। जनता चुनती है सरकार को, ना कि सरकार चुनेगी जनता को। अगर बाप पैसा दे रहा है बच्चे को तो उसको पता होना चाहिए खर्च कहाँ कर रहा है बेटा। तो जनता का अधिकार है कि गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ कर रही है, हमारे फंडिंग का पैसा कहाँ जा रहा है। जनता को अधिकार है जानने का। और ये सुने आपको चाहता क्या बीजेपी गवर्नमेंट? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अकॉर्डिंग चलाएगा? नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट का भी बाप है। तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने कहा है कि आम जनता को पार्टियों को फंडिंग कहां से हो रही है ये जानने का हक नहीं होना चाहिए। आम जनता है, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी। आप लोग इस विषय पे क्या सोचते हैं? आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।